लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्रागकण के बारे में। जब इस प्रागकण के बारे में जब बात करते हैं तो हम इस प्रागकण को इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हमारे पास प्रागकण आया, कौन सा आया? तुरंत ही हमारे पास एक्स का एक दूसरा नाम भी आ जाना चाहिए, वो क्या? लघु बीजाणु धमनी। कौन सी? लघु बीजाणु। कौन सी? कौन सी? जैसे ही हमारे पास नाम आया प्रागकण, हमारे पास एक दूसरा नाम आया कौन सी? लघु बीजाणु। कौन सी? लघु बीजाणु भी इसको हम जानते हैं। तो यानी प्रागकण, लघु बीजाणु, पोलन ग्रेन्स तीनों का तीनों एक ही चीज है। दूसरा, जब हम इस प्रागकण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बोलो नरयुग्मक है कि नहीं है? लेकिन नरयुग्मक किसका? किसका है? ये पुष्प का है। बताया जाता है कि नर युग्मको उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी नर का युग्मक बनने की जो उत्पत्ति होते हैं उसको प्रतिनिधित्व करने का काम प्रागकण का है। यदि आप हबिस्कस, एक गुलहर का ये पुष्प है, इस हबिस्कस गुलहर के इस फूल को लेंगे, पुष्प को लेंगे, या किसी इसी तरह के अन्य पुष्प को अगर आप लेंगे तो उसके खुले प्रागकोष, यानी जब उसके अंदर प्रागकोष का स्फुटन होता है तो प्रागकण के स्फुटन होने के बाद उसके अंदर से निकलने वाला चीज क्या था? प्रागकण। तो उस पुष्प के खुले प्रागकोष को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में क्या, कैसा कलर, पीले रंग के क्या पाउडर जैसे प्रागकणों को क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह प्रागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में उसे जब हम देखने का काम करेंगे तो बोलते हैं कि निश्चित रूप से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के प्रागकण का व्यास, आकार, रूप, रंग, बनावट क्या होगा, भिन्न होगा। ये बात स्वाभाविक है। हम इसका सी नहीं, हम और भी पुष्प की अगर बात करें, सूर्यमुखी का या ऐसा बहुत सारे पुष्प के बारे में बात करें जिसके अंदर इस प्रागकोष का स्फुटन होता है, उस प्रागकोष के स्फुटन के उपरांत जब हम उसके ऊपर अपने हाथ को फैलाएंगे तो हाथ को फैलाने के बाद हमारे हाथ में बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की कलरें आ सकती है। तो वो बताया जाता है कि किसका किसका रंग हो सकता है, तो वो प्रागकण का रंग हो सकता है। यही तक नहीं, अलग अलग पुष्प के अगर हम आकार के बारे में बात करते हैं, प्रागकण के आकार के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, तो अलग अलग जाति का पुष्प है तो अलग अलग उसका युग्मक का रंग भी, रूप भी, बनावट भी अलग अलग होगा। बताया जाता है कि प्रागकण सामान्यतः 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर के साइज में होते हैं। कितना साइज में? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर के साइज में होते हैं। ये सामान्यतः गोलाकार होते हैं, ये गोलिया होते हैं, और व्यास जो होते हैं वो कितना होते हैं? 50 माइक्रोमीटर। बताया जाता है कि जब इसको हम स्पष्ट रूप से, स्वस्पष्ट का मतलब स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, एक कठोर बाहरी भित्ति होती है जिसको हम किसके नाम से? बाह्य चोल। और ये बाह्य चोल जो होता है वो बना होता है किसका? एस्प्रोलिन का। किसका बना होता है? किसका? ये एस्प्रोलिनिन का बना हुआ एक रासायनिक पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अभी तक में बताया जाता है कि सबसे कठोर रूप में पाया गया है। ये इतना ज्यादा कठोर रूप में पाया जाता है कि बताया जाता है कि इसके ऊपर किसी भी एंजाइम का कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके अंदर ताप का सहने का क्षमता खतरनाक होता है, यानी ये ताप भी खतरनाक ढंग से सहने का काम करता है। इसके ऊपर ना किसी एंजाइम का इफेक्ट पड़ता है, ना किसी ताप का इफेक्ट पड़ता है। बताया जाता है कि ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ उस प्रागकण का सबसे बाहरी लेयर,
उस प्रांगण का सबसे बाहरी लेयर जो था जिसको बाह्य चोल कहते हैं वो किसका बना हुआ है, एस्प्रोपोलेनिन केमिकल रासायनिक चीज का बना होता है। ये एस्प्रोपोलेनिन को बनाने के लिए जिस पादप का जो हम लोग उस दिन बोले थे कि जो उसका चार गो भाग पढ़े थे ना, लघु बीजाणु धनी का क्या गो भाग, चार गो, और उसी में एक भाग का नाम पढ़े थे जो पोषण देने का काम करता था, उसका क्या नाम था, टेपिटम नाम था। वही टेपिटम बोले थे कि एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है, और वही टेपिटम जो है ये एस्प्रोपोलेनिन बनाने का भी काम करता है, और वही टेपिटम के द्वारा बताया जाता है कि ये खतरनाक एस्प्रोपोलेनिन जैसा ये जो परत होती है, कवरिंग होती है, इसका वो कवरिंग बनाने का काम करता है, जो कि बताया जाते हैं कि एक सर्वाधिक प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब रोकने वाला, प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है जिसके ऊपर किसी भी एंजाइम का फर्क नहीं पड़ता है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख भी क्या रह सकता है, ठीक रह सकता, यानी उसके सामने खड़ा रह सकता, यानी अगर ये हमारे पास एक प्रागकण है और इस प्रागकण के ऊपर सबसे बाहरी कवरिंग किसका है, एस्प्रोपोलेनिन का, इस एस्प्रोपोलेनिन का बना हुआ इस कवरिंग के ऊपर कौन चीज दे देंगे, हम अम्ल दे देंगे, खतरनाक अम्ल दे देंगे इसके आगे, खतरनाक क्षार दे देंगे इसके आगे, बोलेंगे तो इससे जाके टकरा, तब भी ये अम्ल और क्षार इसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। सूर्य का प्रबैंगनी किरण यहाँ पे डाल देंगे इसके ऊपर, वो सूर्य का किरण भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं डाल सकता है। इसलिए तो उसको इतना ज्यादा हार्डेस्ट पार्टिकल से बनाया गया है, क्योंकि मान लो कि जब प्रागकण का स्फुटन हुआ है, वो मई और जून जैसे गर्मी में, जुलाई जैसे तपती गर्मी में, मान लो ये हमारे कुंज बोलते हैं इस परिवेश में, वातावरण में फैल गया, उस समय सूर्य की किरण अगर उस पर पड़ेगी तो सूर्य का किरण पड़ता, अगर पोलिन का ये कवरिंग कमजोर रहता तो बोलो वो उसके अंदर जाने के बाद उसको डैमेज कर देता कि नहीं कर देता, युग्मक को डैमेज करता, उस युग्मक के अंदर डीएनए सब होता है कि नहीं होता, वो डीएनए को चेंज कर देता, वो प्रागकण रहता आम का तो पैदा होने के बाद बन जाता कौन सी, अमरूद, कटहल, सेब, कभी कभी तुम लोग जैसा भोला मनुष्य भी पैदा कर देता तो गज भी हो जाता। इसलिए बताया जाता है कि उसका खुद एक कौन सी दिया है, एस्प्रोपोलेनिन का एक कवरिंग बनाया है, और वो एस्प्रोपोलेनिन का कवरिंग बहुत खतरनाक है। साइंटिस्ट अभी इस एस्प्रोपोलेनिन के इस रसायन को अलग करके, और बताया जाता है कि कहीं ना कहीं किसका, तो अंतरिक्ष जाने वाला जो अंतरिक्ष यान सब जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट सब जो होता है, उसके कपड़ा बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ताप सहने की क्षमता होती है। इसलिए कि एस्प्रोपोलेनिन का अभी के दौर में बहुत ज्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यानी उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, जहां जहां वो हमें मिलेगा वहां से हमारे प्रागकण को सुरक्षित प्रदान करने के लिए यह खतरनाक कवरिंग एस्प्रोपोलेनिन, जो कि एक कार्बनिक प्रतिरोधक सामग्री है, जो कि बोल गया कि उच्च ताप पर भी सुदृढ़ रहेगा, अम्ल और क्षार के सम्मुख भी रख देंगे तो टिका रहेगा, और अभी तक ऐसा कोई एंजाइम इसके बारे में पता नहीं चल पाया है जो इस एस्प्रोपोलेनिन को क्या कर सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में निम्नकृत कर सकते हैं, यानी बांट सकता है, यानी इस एस्प्रोपोलेनिन को यहाँ से हटा सकता है, ऐसा अभी तक हमारे पास एंजाइम भी नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम के बारे में खोज चुके हैं, वो एंजाइम जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवा सकता है, किसी रासायनिक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइम के द्वारा बांट सकता है, हमारे पास है ऐसा। जैसे अरे हम लोग भोजन ही करते हैं, तो भोजन को पचाने के लिए भोजन में कुछ भी ले ले, उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में नहीं तो किसी और के शरीर में एंजाइम तो मिलता है, मिलता है ना। जैसे मान लो कि अगर चूना सब खा लेता है, कौन खिलाते हैं, वो जो अंडा देने वाला जो जी मतलब पक्षी सब जो होता है, वो सबको खाली चूना नहीं देते खाने के लिए, वो उसको भी क्या कर देता, पचा देता है, वो उसके लिए फायदेमंद रहता है। तो उसके शरीर के अंदर वैसे एंजाइम है, जो एंजाइम उसका उस टाइप से फॉर्मेशन करवा के उसके शरीर को बेहतर बना रहा है। तो इस प्रकार से
बहुत सारे जीव हमारे इस पृथ्वी पे है जिसको अलग अलग रूप में बहुत सारा एंजाइम के द्वारा उसके शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को करवाया जाता है, लेकिन इस एस्पोरोपोरोलिन को तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ा में बांटने के लिए बताया जाता कि हमारे पास अभी तक कोई भी एंजाइम की पता नहीं चल पाई है। लेकिन प्रागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम ही लोग कि मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ये जो है प्रागकण है, ये प्रागकण एक है, ये क्या है एक है? इस प्रागकण के अंदर दो झिल्ली, एक तो बाह्य चोल, एक और कौन चोल होता है? आंतरिक चोल। ठीक, बाह्य चोल जो होता है वो जो है एस्पोरोपोलिन का बना हुआ है, आंतरिक के बारे में भी बोलेंगे एक्जाइन और इंटाइन के नाम से जाना जाता है इसके दोनों लेयर को। लेकिन बताया जाता है कि ये एस्पोरोपोलिन जो है ये इस पूरे के पूरे प्रागकण पे एक पूरा का पूरा लेयर नहीं बनाया हुआ है, ये लेयर एक जगह पर एक छोटे से छिद्र के रूप में अनुपस्थित है, यानी एक छोटे से छिद्र पे एस्पोरोपोलिन जो है वो मौजूद नहीं है। देखो ये प्रागकण है, इस प्रागकण के अंदर कौन चीज है? छोटका छोटका युग्मक है, जो युग्मक जो है वो मादा के अंडाशय में जाके मादा के युग्मक से क्या करेगा? निषेचन करने का काम करेगा। तो इस युग्मक को प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि इस युग्मक का जीवन है, और उस जीवन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन क्या है? ये कवरिंग क्या है? कवरिंग करता है ना डी। तो ये कवरिंग अगर स्पोरोपोलिन का पूरा कवरिंग रहता तो ये बोलो ये निकल पाता नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्पोरोपोलिन को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। हमारे पास कोई एंजाइम भी नहीं है कि चलो ठीक है जरूरत पड़ेगा वो एंजाइम डाल के वो हट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि खुद इसके अंदर क्या है? एक छोटा सा छिद्र है जिस जगह पे एस्पोरोपोलिन नहीं है और उस छिद्र का नाम क्या दिया गया है? जनन छिद्र। और समय आने पर उसी जनन छिद्र के द्वारा इसके अंदर रहने वाला जो मेन कारक जो कि निषेचन में पार्टिसिपेट करेगा उस जनन छिद्र के द्वारा बोलो बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो ये बात समझ में आया? आया तो जनन छिद्र कहते हैं जहां पर एस्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। प्रागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रागकण का बात करें तो प्रागकण जीवाश्म के यानी जीव का जो अंश होता है जीवाश्म, यानी जैसे कि बहुत पहले कोई जीव मरा था किसी कारणवश से और उसका कोई ना कोई अंश हमारे पृथ्वी के अंदर दबा कुचला मिलता है ना, उस चीज को हम जीवाश्म बोलते हैं। तो अगर हम पोलन ग्रेन का बात करेंगे वो भी जीवाश्म के तरह रह सकता है, बताओ कैसे? तो वो ऐसे क्योंकि जब उस पोलन ग्रेन का बात करते हैं तो उस पोलन ग्रेन के ऊपर में किसका कवरिंग? ये एस्पोरोपोलिन को कोई खत्म कर सकता है? अब मान लो ये पोलन ग्रेन कहीं पर मतलब पोलन ग्रेन मतलब प्रागकण जो है वो स्फुटन हुआ ना, होने के बाद मान लो कि वो निषेचन नहीं कर पाया तो कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। बोला अब जमीन पे गिरेगा, धूल आया मिट्टी आया ये आया वो आया उसको ढक दिया तो ढकने के बाद तो वहीं पे रह जाएगा। क्या वो जमीन के अंदर है तो नष्ट कर पाएगा कोई कीड़ा मकोड़ा सब, कोई सूक्ष्म जीव सब, कोई एंजाइम सब? तो एज इट इज वो जमीन के अंदर पड़ा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अब जमीन के अंदर वो पड़ा रह जाएगा, मान लो कभी बहुत समय के बाद उस जमीन पर उस जगह पे खुदाई हुआ और जांच पड़ताल चल रहा है तो क्या ये प्रागकण मिलने का चांस है कि नहीं है? तो बोलो ये एक जीवाश्म की तरह है कि नहीं है? ये भी किसी पादप के युग्मक का ही ना भाग है, ये पादप का युग्मक ही है ना। और बता सकते हैं कि मान लो लाखों वर्ष के बाद ये मिला तो लाखों वर्ष के बाद उस एरिया में वो साइंटिस्ट बोल सकता है ना कि इस जगह पर लाखों वर्ष पहले इस टाइप का पादप का एरिया में कहीं ना कहीं वास स्थान होगा, कहीं ना कहीं इस टाइप का पादप जो है इस जगह पे रहा होगा, कह सकते है कि नहीं कह सकते है? तो इसलिए कि हम जीवाश्म अध्ययन के तौर पे भी इसको हम देखने का काम करते हैं। तो जनन छिद्र कहते हैं जहां पर
एस्प्रोपोलेनिन जो होता है वो अनुपस्थित होते हैं। प्राग कान जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें एस्प्रोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षण सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई है चित्र 2.4 में। आपका क्या विचार है, बाह्य चोल कठोर होना चाहिए, जनन छिद्र क्या क्या कार्य है? जनन छिद्र का कार्य है कि उसके अंदर जो युग्मक है वो जनन करने के दौरान जो है उस एस्प्रोपोलेनिन को तो कोई एंजाइम खत्म नहीं कर सकता है, तो जनन छिद्र के द्वारा वो युग्मक का क्या हो सके, बाहर निकलने की क्रिया हो सके, उसके लिए ये चीज है। और बताया क्या गया कि तुमने पास सारणी कहाँ दिया हुआ 2.4, जब फिगर 2.4 को हम देखेंगे तो ये हमारे पास किसका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, रंग बिरंगी कलर के ये पोलन ग्रेन हमारे पास वहाँ पे है, जिसका अलग अलग कवरिंग भी दिखाया गया है, अलग अलग आकर्षण डिजाइन भी इसका दिखाया गया है। ये हमारे पास कुछ प्रागकण है जिसको कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें देखने का काम करवाया गया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब इसके अंदर आगे के बारे में बात करते हैं, बाह्य चोल खत्म होते ही अब हमारे पास इस प्रागकण का एक और आंतरिक भित्ति आई है और इस आंतरिक भित्ति का नाम अंतर चोल के नाम से जाना गया। कहते हैं कि यह एक पतली तथा लगातार सतत, यह भी उसके ऊपर कंटिन्यूअस एक परत कवर करके रखने का काम करता लेकिन अंदर रहता है, और यह परत एक सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का ये जो परत बना हुआ है उसको सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जो एक सेल्यूलोज एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की ये बनी होती है प्रागकण का जीवदर साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्या बोला है, प्रागकण का जीवदर एक प्लाज्मा भित्ति से भी अवतरित रहते हैं, कवर रहते हैं। जब प्रागकण परिपक्व होता है तब उसमें क्या कोशिका बनता है, दो कोशिका बनता है, एक जो कहलाता है वो कायकी कोशिका कहलाता है और एक जो होता है वो क्या कहलाता है, जनन कोशिका कहलाता है। वो दोनों उसके अंदर समाहित होते हैं जो चित्र 2.5 वो में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर तुम देखेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्रागकण है, इस प्रागकण के अंदर सबसे बाहरी वाला जो कवरिंग है वो तुम्हारा बाह्य चोल, अंदर वाला जो है वो तुम्हारा अंतर चोल, लेकिन बीच में जो द्रव भरा पड़ा हुआ है ये तुम्हारा कौन सा है, साइटोप्लाज्म, कौन सा जीव द्रव है, और बीच में जो है ये तुम्हारा वो क्या है, केंद्रक, क्या है, इसी केंद्रक के अंदर बताया जाता है कि ये विभाजन होता है और अंदर में जो ये साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर एगो क्या रहता, राजधानी, ये कोशिका अंगक है, ये क्या है, क्या है, हम जब कोशिका पढ़े थे तो उसके अंदर पढ़े थे ना कि इसके अंदर राजधानी भी होता है, वही राजधानी बाद में जाके बताया जाता है कि वहां पे कोशिका के अंदर पादप के अंदर खास करके ये राजधानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जो कि उसको पोषण को प्रदान करने में भी, अपशिष्ट पदार्थ को रखने में भी, कोशिका का शेप बनाने में भी मददगार करता है, वैक्यूल्स, ठीक। फिर बताया जाता है कि हमारे पास जो ये केंद्रक है इस केंद्रक के अंदर केंद्रक विभाजन होता है, कौन सी होता है, और कोशिका विभाजन में इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये केंद्रक के अंदर केंद्रक विभाजन होता है तो उसी के अंदर बनता कौन सी, एसिमेट्रिक तंतु, कौन सी बनता है, क्या बनता है, और उस एसिमेट्रिक तंतु बनने के बाद उस केंद्रक का विभाजन होता है जिसके अंदर दो गो कोशिका का निर्माण होता है, एक जो कोशिका बंटवारा होकर जाता है वो तुम्हारा बनता है कायकी कोशिका और एक जो कोशिका बन जाता है वो क्या होता है, जनन कोशिका। अच्छा, यानी अब ये केंद्रक अगर अब ये अगर युग्मक पार्टिसिपेट करेगा या अगर ये युग्मक से किसी भी जीव का निर्माण होगा तो इस युग्मक जनन कोशिका से, जनन कोशिका जो है वो नए संतति को बनाने में मदद करेगा, जबकि अगर कायकी कोशिका का बात करेंगे तो वो शरीर के निर्माण में मदद करेगा।
फिलहाल हमें ये नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि हमारे पास ये एक पराग कण हुआ, परिपक्व पराग कण। कौन पराग कण? और इस परिपक्व पराग कण के अंदर क्या गो? अंदर में कोशिका है। क्या गो? एगो बन के रह गया कौन कोशिका? एगो बन के रह गया कौन कोशिका? दो गो कोशिका है। यानी एक मैच्योर पराग कण के अंदर क्या गो कोशिका? कौन कौन? इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी ये इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी एक पराग कण का जब फुल्ली डेवलपमेंट होता है तो एक कायकी कोशिका और एक जनन कोशिका उसके अंदर हमें दिखता है। ठीक सवाल। एक पराग कण के अंदर क्या गो कोशिका? कौन कौन कोशिका? एगो कायकी कोशिका, एगो कोई दिक्कत नहीं। जब ये चीज हमारे पास हो गया जनन कोशिका ये, अब बताया देखो क्या कहा गया है कि उसके अंदर जो हमें दो कोशिका देखने को मिला तो कायकी कोशिका क्या है जिसमें कौन सी होता है? खाद पदार्थ होता है। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में खाद पदार्थ, यानी वो खाद पदार्थ जो कि उस जो कोशिका जो परागकण है उस परागकण को डेवलपमेंट होने के लिए, उस परागकण को जिंदा रहने के लिए उसको पोषण की जरूरत होगी कि नहीं होगी? वो एक कोशिका है उसको पोषण का जरूरत होगा ना, तो वो किस कोशिका के द्वारा तब तक उसको मिलता रहेगा? किसके द्वारा? एक परागकण के अंदर क्या वो कोशिका? कौन कौन? एगो कायकी कोशिका, एगो कायकी कोशिका उसको क्या प्रदान करता रहेगा? पोषण देता रहेगा। किसको? परागकण को। किसको? और एक विशाल अनियमित उसके अंदर आकृति का केंद्रक भी होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायकी कोशिका के जीव द्रव में क्या करते रहती है? वो ये एक तरकु आकृति के, किस आकृति के? चांद देखा है वो कुछ इस प्रकार का, या चाकू को रखने वाला कवर देखा, कटार टाइप से जो रखता है वो सब, अरे पंजाबी सिंह जी सब जो रखते हैं वही वो, हाँ या सिंह इज किंग में जो रखा गया है। उसके बाद बताया गया कि छोटे आकार का होता है, तरकु आकृति के होते हैं, घने जीव दर्भ होते हैं, कौन से होते हैं? और एक केंद्रक वाला होता है, कौन से वाला होता है? घने जीव दर्भ है और एक केंद्रक वाले होते हैं, कौन? जनन कोशिका। कौन कोशिका? कौन कोशिका? जनन कोशिका। यही तक नहीं, फिर ये भी बोला गया है कि एक केंद्रक वाला होता है 60% से अधिक आवृत्ति बीजी पादपों के परागकण दो कोशिकीय चरण में, दो कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं और शेष प्रजातियां में जनन कोशिका किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले तीन चरणीय यानी दो नर युग्मकों के बनते हैं। फिर से पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है कि 60% से अधिक कौन? आवृत्ति बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं, यानी परागकण जब भी होता है तो दो कोशिका, एक कायकी कोशिका एक उस रूप में वो क्या होते हैं? निकलते हैं। लेकिन बाकी के जो और 40% बच गया ना प्रजाति पादप के, उसमें जनन कोशिका जो है वो जनन कोशिका फिर वहां पे कैसा विभाजन करता है? और समसूत्रि विभाजन करने के बाद दो टाइप का, दो को जनन, एक जनन कोशिका के अंदर समसूत्रि विभाजन होगा तो उसे दो जनन कोशिका बन जाएगा। क्या जनन कोशिका? तो समसूत्रि विभाजन के द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले क्या गो बन जाएगा? तब जिसमें दो गो क्या रहेगा? दो गो नर युग्मक, दो गो जनन कोशिका और एक गो कायकी कोशिका। अरे कायकी कोशिका तो ही है ना, जनन कोशिका के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, यानी क्रोमोजोम का नंबर दोनों में सेम रहेगा और विभाजन करने के बाद वो तीन चरण बनाते जिसमें क्या हो, क्या गो युग्मक रहता है? दो गो नर युग्मक। अच्छा, नर युग्मक का मतलब
जो जनन कोशिका है वही ना युग्म के तरह कार्य करेगा, उसके अंदर जो काय की कोशिका रह गया वो किसके तरह काम किया, पोषण देने की तरह ना काम किया, वो युग्म के तरह तो काम नहीं किया, वो किसके तरह काम किया, उस प्राग कण को क्या देगा, पोषण देगा। तो इसमें अगर जनन कोशिका दो भाग में बांटा गया तो नर युग्म क्या वो क्या वो कितना में 40% में ना, जबकि 60% में तो उसी टाइप से उसी टाइप चिन्ह है। बोलवा समझ में आया, इतना तक में किसी को दिक्कत तो कुछ 100% है, 100% में 60% इधर 40%, इसके अंदर जो विभाजन हुआ प्राग कण का, इसमें एगो काय की कोशिका है और एगो क्या है फिक्स, इधर भी होना चाहिए वही चीज, लेकिन इधर बोला है कि एगो काय की कोशिका रह गया, लेकिन जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ और जनन कोशिका अब इसके अंदर क्या हो गया, दो गो हो गया, इसमें और क्या बोला है, दोनों मिला के था, दो काय की कोशिका हो गया, अरे 60% में जो चीज है ये अलग प्रजाति का है ना, ये अलग प्रजाति है, जो इसका मतलब समझा क्या कह रहा है, पृथ्वी पर बीज के ऊपर कवरिंग वाले जितना भी पादप है, तो जितना भी पादप का बात किया तो सब आवृत्ति बीजी पादप का बात ना क्या है, तो सभी आवृत्ति बीजी पादपों के अंदर का नहीं प्रागण का बात कर रहा, तो जब 60% को हम इधर करिए देंगे तो इधर जो बचेगा वो अलग अलग बचेगा कि एक एक के अंदर ऐसा घटना होगा। आगे लिखा हुआ है कि अनेक प्रजातियों के प्रागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वासनी वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दम्मा, श्वासनी शोथ आदि के रूप में विकसित होते हैं। अभी जिस प्रागकण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब उस प्रागकण के महत्व के बारे में या हानि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कि हम लोग के आसपास जो प्रागकण है पुष्प के अंदर जो युग्मक का नर युग्मक का जो जनन होने की क्रियाएं होती है, क्या वो जनन होने की क्रियाएं के दौरान जब हमारे इस वातावरण के अंदर ये फैलते हैं तो किसी और प्राणी के लिए जो इस वातावरण के अंदर मौजूद है क्या उसके लिए ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो उसके लिए जब बात किए हैं तो बताया जाता है कि एक बीमारी होता है एलर्जी। एलर्जी ऐसे नॉर्मली कहा जाए तो ये बीमारी नहीं है, एलर्जी का ना ही कोई इलाज है, एलर्जी से कोई ऐसा भी नहीं है कि बच भी सकता है, एलर्जी किसी को भी किसी भी कारण से हो सकता है और इसको बीमारी के तौर पे नहीं, बस इसके अंदर ये होता है कि हमारी कुछ कोशिकाएं जो होती है वो उस चीज के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं, उस चीज के लिए अनरिस्पॉन्स काम करने लगते हैं और वो हमारे लिए एक एलर्जी का काम हो जाता है, एलर्जन बन जाता है। बताया जाता है कि इसी प्रकार से पोलन ग्रेन है, इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुछ सिम्टम्स भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, और इसका प्रमुख इलाज यही है कि जिस चीज से आपका एलर्जी है उस चीज से बस आपको बचना होगा। इसका एक और रीजन होता है कि हमारे शरीर के अंदर हिस्टामिन का कमी होने के कारण भी कभी कभी किसी कारण बस से एलर्जी का इफेक्ट ज्यादा होने लगता है, तो उसका मेन रीजन होता है हिस्टामिन का कमी, तो हमें जब इससे रिड्यूस करवाने के लिए हमें हिस्टामिन का उपचार करवाया जाता है, हमें हिस्टामिन का मेडिसिन दिया जाता है ताकि हिस्टामिन हमारे शरीर के अंदर मेंटेन रहे, और ये WBC के अंदर भी होता है। तो बताया क्या जाता है कि अनेक प्रजातियों के अंदर प्रागकण जो होता है वो एक गंभीर एलर्जी का भी रूप ले लेता है, जो कि श्वसनी वेदना, यानी कहने का मतलब वो जो चीज है वो हमारे इसके थ्रू नाक के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाने का काम करता है, और कभी कभी ये चिरकालिक, चिरकालिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलता है, कौन समय तक, लंबे समय तक चलता है, चिरकालिक रोग भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे, ये एक लंबे समय तक होता है, और इसी के कारण जैसे दम्मा जैसा रोग ये बहुत दिनों तक, एक बार दम्मा हो जाएगा जिंदगी भर सताते रहेगा, उसी प्रकार से श्वसनी शोथ जो है ब्रोंकाइटिस होता है, ये सारी चीजें जो होता है ये एलर्जी का भी लक्षण हो सकता है, यह बताया जा सकता है, हाँ सूजन खुल जाना, यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ
यानी कहने का मतलब दूसरे देश से जब गेहूं को मंगाया गया था, आयात करवाया गया था, तो उस गेहूं के आयात से बताया जाता है कि हमारे उस गेहूं के अंदर एक चीज और आ गया, और वो था गाजर घास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनियम। गेहूं के साथ गाजर घास खेत में उगने का काम करता है। वो गाजर घास जो होता है, पार्थेनियम जो होती है, उसका उपस्थित क्या हो गया, सर्वव्यापक हो गया। अब इससे क्या दिक्कत होने लगा, दिक्कत ये होने लगा कि गेहूं का जो पैदावार है, वो गेहूं का पैदावार जो था वो जितना ज्यादा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, गेहूं का विकसित रुक गया, और बगल में जो गाजर घास था, ये गाजर घास अवांछित चीज जो है वो आ गया। अब देखो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज को जब हम इम्पोर्ट करते हैं या कोई भी चीज को अपने जिंदगी में नए चीज को जोड़ते हैं ना, तो हो सकता है उसके साथ एगो दुगो खराब अवगुण भी आ जाता है, खराब लक्षण भी आ जाता है। जैसे दसवां से इंटर क्लास में गया, इंटर से ट्वेल्थ में गया, अब एगो दुगो तुम लोग अगर कोई बेहतर है ना, उसके साथ एगो दुगो अवगुण भी आता है। वो एगो दुगो अवगुण जो आता है वो क्या करता है कि जैसे गेहूं का विकास, गेहूं फायदामंद वाला चीज था, विकास होना चाहिए किसका, गेहूं का, फायदा पहुंचना चाहिए गेहूं का, कहा कि वो हमारे लिए बेहतर था, लेकिन ये छिछरा गाजर घास वाला जीन इसके साथ आ गया, और ये गाजर घास इतना ज्यादा अपने विकसित करने लगा कि गेहूं का पैदावार को क्या कर दिया, रोक दिया। और उसी लेके बताया जाता है कि आप तुरंत इस वाले लक्षण को या इस वाले जीन को अपने आसपास से टर्मिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि वो आपके जिंदगी को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। तो यही वाला चीज इसके साथ भी हुआ, और बताया जाता है वो जो काम क्या सो किया, ये पार्थेनियम जो है खतरनाक परागकण, इसका एक एलर्जक का भी कौन सी हुआ, कारक हुआ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नुकसानदेह हुई थी। परागकण ऐसा नहीं है कि नुकसान भी देता है। अगर पोषण के न्यूट्रिएंट्स के वैल्यू पे बात करें तो बताया जाता है कि परागकण एक भरपूर पोषण वाला पदार्थ के तौर पे भी जाना जाता है। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में हम इस प्राग का उपयोग एज अ टैबलेट्स के रूप में करने लगे हैं, और इसका प्रचलन भी बढ़ गया है। हमारे एथलीट्स या हमारे अभी के दौर में जो कुछ अपने शरीर के शक्ति को बढ़ाने के लिए जिमर सब जो है इस टाइप के पोलन ग्रेन वाले टैबलेट्स का उपयोग करते हैं। रेस के घोड़ा को दौड़ाने के लिए हम इस टाइप के टैबलेट का यूज करवाते हैं। सांड को लड़ने के लिए हम इस टाइप का मेडिसिन उसको देने का काम करते हैं। इसलिए के हमारे क्लास में जो आता है, जानते हैं वो खाया पिया है वाला चीज है, वो जो खाया पिया है वही खाया पिया है, तो बताया जाता है कि वो प्रचलन बड़ा। हालांकि अभी के हम लोग के यहाँ पे तो कम, खास करके हम लोग के वेस्टर्न कंट्री पश्चिमी देशों के अंदर इसका प्रचलन खूब मात्रा में बढ़ा है। वो लोग एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पे, खतरनाक काम करने के तौर पे भी बताया जाता है कि इस चीज का उपयोग करता है। भारी मात्रा में प्राग उत्पाद गोलियां और सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। बहुत सारे कंट्री इसके ऊपर बैन भी किया है, क्योंकि इसका गलत असर हमारे शरीर के ऊपर देखने को भी मिला है। प्राग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक के अश्वों में, घोड़ों में कार्य दक्षता को वृद्धि करने के लिए उपयोग में लाया जाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से तुम्हारे पास कुछ ये पोलन प्रोडक्ट्स का टेबलेट आता है, कब सिरप आता है, दिया हुआ है। एगो बी पोलन है, द एनर्जी शेक है, बी पोलन का क्रीम भी आता है, बी पोलन का ये पाउडर भी आता है, बी पोलन फॉर इंग्लैंड टैबलेट ये आता है, अलग अलग चीज भी इस्तेमाल कर सकता है। कौन आगे बोला गया है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपने जीवन क्षमता यानी उस युग्मक का अपना एक जीवन क्षमता होता है, अंकुरण क्षमता होता है, उस खोने से पहले वो कहाँ पर, वर्तिकार्ग पर गिरते हैं,
जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, और आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रह सकती है, तो ये अलग अलग पादप के लिए अलग अलग जीवन क्षमता होती है। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, बहुत विविधताएं पाई जाती है, बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पे भी निर्भर करता है, यानी वो किस क्लाइमेट में है, उसका तापमान कैसा है, नमी कैसा उस एरिया का, उस पे भी उसका जीवन क्षमता निर्भर करता है। किसका और अलग अलग जीव के अंदर का परागकण का वैलिडिटी जीवन का अलग अलग होगा। जैसे कुछ अनाजों में जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत ही जल्दी समाप्त करती है, जैसे 30 मिनट में वो क्या कर जाती है, यानी 30 मिनट में निषेचन हो गया तो जीवन का एक नया चीज आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर। जबकि गुलाबावत जिसको रोजेसी फैमिली के अंदर, ताकि लेगुमिनेसी फैमिली, सोलेंसी फैमिली जिसके अंदर आलू सब टमाटर सब आता है, दलहन फसल आता है, इसके कुछ सदस्य में परागकणों की जीवन क्षमता कितना दिन तक बना रहता है, महीना तक बना रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए भी मानव सहित बहुत से जानवरों के अंदर वीर्य तथा शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकण को भी इसी प्रकार से द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे वर्षों तक क्या करने का काम कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बेहतर बीज को लंबे समय तक रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रकार का द्रव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे ना तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में, तो उसी तरह से उसका सारा कुछ बना के, जैसे एक बात बोलते हैं, वो जो डॉक्टर सब आता है गांव घर के अंदर जानवर के लिए, देखा है ना, वो जो डिब्बा एगो डब्बा लेके आता है ना, उसी के अंदर से निकालता है वो वीर्य, जो कि गाय सबको देते हैं सीमेन देने का जब काम करते हैं, और उसको बोलते हैं कृत्रिम निषेचन, क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो वीर्य रहता है ना, वो एक बेहतर सांड से लिया गया रहता है, ताकि जब वो गाय के अंदर जाए तो उससे जो बच्चे का निर्माण होगा तो वो बच्चा बेहतर बच्चा हो, वो बच्चा का जो सारा कुछ हो, स्वस्थ रहने की टेंडेंसी, उसका शरीर में वृद्धि होने की टेंडेंसी, उससे मिल्क प्रोडक्शन की टेंडेंसी, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, यानी बेहतर प्रोडक्ट के लिए हम वैसा चीज अपनाते हैं, और उसके अंदर जो सीमेन को रखा जाता है तो वो सीमेन को किसी बाहर से लाया गया, जो किसी बाहर से किसी दूसरे देश के जो मेल बॉडीज था, उस मेल बॉडीज से प्राप्त किया जाता है, और इसलिए वो महंगा भी बिकता है। एगो एगो जो सीमेन है वो, तुम अगर बात करेगा कि हमारे गाय को जो आपकी बार का जो बछड़ा या जो भी चीज है वो हमको ऐसा चाहिए, तो उसका अलग अलग सारा कुछ भी होता है, तो हम उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे रखने का काम करते हैं और वर्षों तक भंडारित रख सकते हैं। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग हम बीज भंडार के तौर पे, यानी बैंक के तौर पे भी बहुत दिनों तक के लिए कर सकते हैं, और पराग भंडार के नाम से इसको हम जानते हैं। ये प्रजनन कार्यक्रम अभी तक हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हमें बेहतर उपज के लिए, कौन सी के लिए, बेहतर उपज के लिए एक लंबे समय तक पराग को रखने की अभी हमारे पास टेंडेंसी है। आज के लिए यही था, किसी को कुछ पूछना, कुछ लोग पेट दर्द।